नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। संदीप घोष पर उग्र भीड़ का हमला, शख्स ने जड़ा थप्पड़। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट से भी नहीं सुलझी आज कर कांड की गुत्थी। राम रहीम की किस दिन की फरलो खत्म, आज आएगा सलाखों के पीछे। आई देखते हैं खबरें विस्तार से। संदीप घोष पर उग्र भीड़ का हमला, शख्स ने जड़ा थप्पड़, सरकार ने भी लिया एक्शन। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय एक व्यक्ति ने उनके सिर पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद थे। इसके बावजूद लोगों उनके खिलाफ आक्रोशित दिखे। उनको देखते ही देखते लोग गंदी गंदी गालियां देने लगे, चोर चोर के नारे लगाने लगे। इधर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष को निलंबित कर दिया। वेस्ट बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने उनको पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से भी निलंबित कर दिया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट से भी नहीं सुलझी आरजी कर कांड की गुत्थी। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर बेरहमी से हुई हत्या के मामले की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई। सीबीआई ने इस जघन्य रेप और हत्या कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था, लेकिन उसने और कई सवाल खड़े कर दिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में पहले साधारण सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या खाना पसंद है। फिर जब जवाब आना शुरू होता है तब केस से जुड़े अहम सवाल किए जाते हैं, जिनके जवाब अमूमन एजेंसियां हाँ या ना में लेती हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लग रहा है कि संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच की तार सुलझने के बजाय और उलझ गए। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। राम रहीम की किस दिन की फरलो खत्म, आज आएगा सलाखों के पीछे। हरियाणा के रोहतक में राम रहीम की किस दिन की फरलो 3 सितंबर को खत्म हो गई। रोहतक पुलिस की टीम बुधवार को उसे यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम से रोहतक की सुनरिया जेल लेकर आएगी। गुरमीत राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में वर्ष 2017 में सजा सुनाई गई थी, तभी से वह सुनरिया जेल में बंद है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार, नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते रहिए एमएनएस। और आप देख रहे हैं।